हर साल बाद चीते की एक बार फिर हिंदी की सर जमी पर वापसी हुई है, लेकिन देश में अंतिम बार चीता कब देखा गया था और किस हालात में देखा गया था उसका एक दुर्लभ वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो 40 के दशक की शुरुआत का है, जब देश तेजी से आजादी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पुरानी रियासतों के राजा महाराजा अपनी शिकार पार्टियों के लिए किस तरह से चीते को पालतू बना रहे थे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रियासतों के जो ट्रेनर हुआ करते थे वो किस तरह से महाराज की पार्टियों के लिए चीतों को पालतू बनाते थे। इसके बाद जंगल में ले जाकर चीतों के जरिए हिरणों अन्य जानवरों का शिकार करवाया जाता था। चीतों को पालतू बनाने के इस खेल में चीते तेजी से विलुप्त होते चले गए। एक तरफ हम देश में आजादी का जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ अंतिम चीतों का भी शिकार हो गया था। आखिर भारत सरकार को 1952 में देश को जीता वही घोषित करना पड़ा कि अब 7 दशकों के लंबे इंतजार के बाद देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, तो संयोगवश देश में चीतों की वापसी हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वापसी सफल रहेगी और देश में चीतों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस दशक की उस समय की तस्वीरें हैं जब राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, अंग्रेजों का शासन था, लेकिन हम आजादी की तरफ बढ़ रहे थे और उस दौरान किस तरह से चीतों को पालतू बनाया जाता था और ये जो ट्रेनर थे वो कैसे इनको ट्रेन करते थे, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और निर्मल तिवारी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, ये तस्वीरें, ये जो वीडियो हैं, ये बहुत दुर्लभ हैं और ये बताते हैं कि हमारा देश एक समय में चीतों से वंचित नहीं था। यहाँ पर चीते जो थे वो ट्रेनर ट्रेनिंग भी लेते थे, यहाँ पर ट्रेनर जो हुआ करते थे, लेकिन अब एक बार फिर से चीते आए हैं, माहौल भी बदला है। बिल्कुल, देखिए मेगा, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये इस बात का सबूत है कि किस तरह से देश में चीते विलुप्त हुए, चीते कितने थे, क्या उनके हालात थे। ये जो विजुअल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये 40 के दशक का है, यानी 1940 से 45 के दरमियान का ये वीडियो है जब देश आजादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और ऐसी स्थितियां बन गई थी पूरे देश के अंदर कि जल्दी ही ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त होगा और देश आजाद होगा। वही हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ। लेकिन ये जो जो जो, जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें यही था कि चीतों की विलुप्ति का जो सबसे बड़ा कारण था, जो पुरानी रियासतें थी उस दौर में शिकार का शौक था, जंगल जितने भी जो राजा महाराजा थे तत्कालीन वो शिकार करने के लिए जंगलों में जाया करते थे। जो आप विजुअल देख रहे हैं इसमें यही था, जो तत्कालीन जो रियासत थी वहाँ के जो महाराज थे, वहाँ के जो युवराज हुआ करते थे, जो राजकुमार हुआ करते थे, उन्होंने अपने ट्रेनर रख रखे थे जो शिकार के लिए चीतों को ट्रेन करते थे। ये वो सब चीते हैं जिनको पालतू बना दिया गया था, इनसे शिकार कराया जाते थे। ब्लैक बक की जो बड़ी कॉलोनी होती थी, खासकर जो काले हिरणों की जो बड़ी कॉलोनी होती थी उनमें इन चीतों को ले जाया जाता था। जिस तरह से ब्लॉक कार्ड के अंदर आप देख रहे हैं कि बैलगाड़ी में बैठा कि किस तरह से रियासत के लोग उनको ले जा रहे हैं और ये फिर चीते उनका शिकार करते थे, जो ब्लैक बक और जितने भी जो हिरण की प्रजाति के जो अन्य जीव हुआ करते थे। तो उसके बाद जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम विजुअलों के माध्यम से, ये अंतिम दौर था हिंदुस्तान के अंदर चीते का। इसके बाद 1942 से लेकर 1947 की जो अवधि थी, 1947-48 इन 5-6 साल के अंदर देश में जितने भी चीते बचे थे, खासकर जो भी 100-150 के करीब इनकी संख्या रही थी, वो धीरे धीरे बहुत वहां से विलुप्त हो गए और 1947 तक आते आते जो अंतिम चीते थे, उन जो 3 चीते बचे थे उनकी भी मृत्यु हो गई। 1952 में तो भारत सरकार ने यही कह दिया था कि हमारा देश अब चीता विहीन हो गया है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल निर्मल, और उम्मीद यही है कि अब शिकार ना हो और ये वृद्धि करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जानकारी के लिए। और